आप सभी का राजवीर यादव फिजिक्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात कर रहे हैं सत्रवें क्वेश्चन की। एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट आपूर्ति एवं 100 वाट अंकित है, मतलब कोई बल्ब है उस पर 220 वोल्ट लिखा हुआ है, साथ में 100 वाट लिखा हुआ है, तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, स्रोत की शिखर वोल्टता ज्ञात कीजिए और बल्ब में प्रवाहित होने वाली RMS धारा को ज्ञात कीजिए। तो सवाल ने क्या दे रखा है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो कॉमनली जो वोल्टेज हमें देता है किसी क्वेश्चन में, वो वोल्टेज वी होता है, अर्थात वी की वैल्यू 220 वोल्ट, अर्थात ये वी वास्तव में VRMS ही होता है, ये ध्यान रहे आप। 100 वाट इसका मतलब पी का मान 100 वाट दे रखा है और ये हमसे R की वैल्यू पूछ रहा है, सेकेंड में वी जीरो की वैल्यू पूछ रहा है और थर्ड में ये हमसे IRMS की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो देखिएगा, बल्ब का प्रतिरोध के लिए हम बात करें तो P बराबर VI होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जहाँ P पावर है, V वोल्टेज है और I करंट है। V की जगह VI बराबर V अपॉन R होता है, ओम के नियम से ये आप अच्छे से जानते होंगे। V और V V स्क्वायर बटे ये R हो गया है, तो P बराबर हो गया V स्क्वायर अपॉन R, तो R बराबर हो गया V स्क्वायर अपॉन P। अब V की वैल्यू 220 वोल्ट है और P की वैल्यू 100 वाट है, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया R बराबर 220 गुना 220 बटे 100, सोल्व किया तो 484 ओम आ गया है। सेकंड पार्ट है इसका कि स्रोत की शिखर वोल्टता क्या होगी, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए कि ERMS इज इक्वल टू E0 अपॉन रूट 2 होता है, अर्थात E0 अपॉन रूट 2, जहाँ E0 क्या है, शिखर वोल्टता है और ERMS उसकी वोल्टेज है, वर्ग माध्य मूल धारा है। तो E0 बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 ERMS, क्या हो जाएगा, रूट 2 ERMS। तो E0 बराबर रूट 2 की वैल्यू है 1.414 और ERMS की वैल्यू है 220, सोल्व करें तो 311.08 वोल्ट। सी भाग है इसका, वर्ग माध्य मूल धारा P बराबर होता है ERMS IRMS, या यूं कहूं मैं कि IRMS बराबर हो गया P अपॉन ERMS, या IRMS बराबर हो गया 100 बटे 220, सोल्व करें तो 0.45 एम्पियर, ये इसकी बात हो गई है। 18वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, 18वां क्वेश्चन कह रहा है हमें कि एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है, तो इसके संगत तरंग दैर्ध्य बैंड क्या होगा, ये दो नंबर का क्वेश्चन आया था, क्लियर, दो नंबर का क्वेश्चन आया था। तो देखिएगा, आवृत्ति न्यू वन का मान इसने 7.5 मेगाहर्ट्ज दे रखा है, तो 7.5 मेगा का मतलब 10 की पावर 6 होता है, तो 7.5 गुणा 10 की पावर 6 हर्ट्ज। इसी प्रकार इस आवृत्ति के संगत जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा वन, उसकी वैल्यू होगी सी अपॉन न्यू वन। अब सी की वैल्यू हम जानते हैं 3 × 10⁸ होती है, न्यू वन की वैल्यू 7.5 × 10⁶ होती है, और इसको जब सोल्व करते हैं तो आ गया उत्तर 40 मीटर। इसी प्रकार जो दूसरी आवृत्ति सवाल ने दी है वो है 12 मेगाहर्ट्ज या 12 × 10⁶ हर्ट्ज। इस आवृत्ति के संगत तरंग दैर्ध्य लैम्डा 2 बराबर है सी अपॉन न्यू 2, 3 × 10⁸ बटे 12 × 10⁶ या 300/12 बराबर 100/4 बराबर 25 मीटर। तो अतः संगत तरंग दैर्ध्य बैंड 40 मीटर से 25 मीटर होगा, क्लियर। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू का फॉर्मूला आना चाहिए, इसके संगत आपने लैम्डा निकाल लिया, इसके संगत आपने लैम्डा निकाल लिया, ये आपका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश में डोपलर प्रभाव क्या है, इसमें लाल विस्थापन तथा नीले विस्थापन को परिभाषित कीजिए। वैसे ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, क्लियर, लेकिन अब अगले साल जो NCERT का सिलेबस 12th क्लास के लगेगा उसमें फिर ये टॉपिक सिलेबस में हो जाएगा, फिलहाल सिलेबस में नहीं है। अगले साल जब NCERT सिलेबस आएगा, फिलहाल तो राजस्थान बोर्ड सिलेबस लग रहा है, तो इस सिलेबस में इसलिए मैं इसको पढ़ा ही देता हूँ ताकि अगले साल भी ये काम आए। प्रकाश में डोपलर प्रभाव, देखिएगा डोपलर प्रभाव के बारे में 11th क्लास में ही आपने लास्ट जो चैप्टर है फिजिक्स सेकंड का,
उस चैप्टर में अंतिम जो टॉपिक है वो है डोपलर प्रभाव, और उसके संगत बात यहाँ हम कर रहे हैं। तो ऐसे वहाँ तो पढ़ा था आपने ध्वनि तरंगों का डोपलर प्रभाव, और ये है प्रकाश तरंगों में डोपलर प्रभाव। क्लियर? तो जब देखिए इस टॉपिक को, जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति होती है। प्रकाश स्रोत क्या है पहले इसको समझो, मतलब वह उपकरण या वह वस्तु जिससे प्रकाश निकल रहा है प्रकाश स्रोत कहलाता है। प्रेक्षक वह व्यक्ति है जो उस प्रकाश स्रोत को देख रहा है, प्रेक्षक। इसके बीच जब आपेक्षिक गति होती है, इसका मतलब यह है कि या तो प्रकाश स्रोत गति करे या फिर प्रेक्षक गति करे या फिर दोनों गति करें, तो जब इनकी बीच में आपेक्षिक गति होती है उस समय प्रकाश की जो आवृत्ति है उसमें आभासी परिवर्तन होता है और तरंग दैर्ध्य में विस्थापन उत्पन्न होता है। इसे क्या कहते हैं? डोपलर प्रभाव कहते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी खड़ी है, उसकी लाइटें जल रही हैं, वो आपको दिखाई दे रहा है, आप भी खड़े हो, गाड़ी भी खड़ी है, तो उसकी जो लाइट आ रही है उसकी जो आवृत्ति है वो फिक्स है। लेकिन या तो गाड़ी गति कर रही हो या आप गति कर रहे हो, उस पोजीशन में उसकी आवृत्ति में आपको आभासी चेंज एहसास होगा, आभासी परिवर्तन का एहसास। वास्तव में परिवर्तन नहीं होता है, आभासी परिवर्तन होता है। उसी आभासी परिवर्तन को कहते हैं प्रकाश में डोपलर प्रभाव। अब इसमें आगे ये हमसे पूछना चाह रहे कि लाल विस्थापन तथा नीले विस्थापन को परिभाषित करो। तो देखिए आप आगे, लाल विस्थापन, जब कोई प्रकाश स्रोत पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक से दूर जा रहा हो, कोई प्रकाश स्रोत है वो पृथ्वी पर कोई प्रेक्षक है उससे दूर जा रहा है, तो उसके प्रकाश की आवृत्ति घटी हुई या तरंग दैर्ध्य बढ़ी हुई प्रतीत होती है। सीधी सी बात है कि जो बल्ब है और जो आदमी है उसके बीच की दूरी अगर बढ़ती है, दूरी अगर बढ़ती है तो आवृत्ति घटती है, और जब आवृत्ति घटती है तो लाल विस्थापन उत्पन्न होता है। याद होगा आपको कि जो जो हम मान लीजिए 7 रंग के बल्ब एक साथ लगे हुए हैं और आप उनसे दूर चल उनके पास खड़े हो तो आपको 7 रंग के बल्ब दिखाई देंगे। फिर आप उल्टा चलना शुरू करो तो सबसे पहले आपको बैंगनी रंग का बल्ब दिखना बंद होगा और सबसे लास्ट में लाल रंग का बल्ब दिखना बंद होगा। इसलिए जब दूरी बढ़ती है तो भी आपको लाल रंग की चीज दिखाई दे रही है अंत तक, और उसके बाद फिर उसको निश्चित एरिया के बाद फिर वो लाल रंग का बल्ब भी दिखाई देना बंद हो जाता है। या यूं कहूँ सर्वाधिक जो दूरी तक जो प्रकाश दिखाई देता है वो लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है। इसलिए ही खतरे के निशान लाल रंग के होते हैं ताकि वो दूर से दिखाई दे जाए। तो लाल विस्थापन में क्या होता है कि प्रकाश स्रोत और जो प्रेक्षक होते हैं उनके बीच की जब दूरी बढ़ती है तो उनकी आवृत्ति प्रकाश की घटती है या फिर तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। इससे स्पेक्ट्रमी रेखा लाल सिरे की ओर विस्थापित हुई प्रतीत होती है, और इसे क्या कहते हैं? लाल विस्थापन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार नीला विस्थापन, कि यदि कोई प्रकाश स्रोत पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक की ओर आ रहा हो तो प्रेक्षक को प्रकाश की आवृत्ति बढ़ी हुई या तरंग दैर्ध्य घटी हुई प्रतीत होती है। इससे जस्ट अपोजिट, वहां दूरी बढ़ रही थी यहां दूरी कम हो रही है, जिससे उसकी स्पेक्ट्रमी रेखा बैंगनी सिरे की ओर विस्थापित होती हुई प्रतीत होती है, और इसे क्या कहते हैं? नीला विस्थापन कहते हैं। क्लियर? अगला टॉपिक है जो सिलेबस में है आपके, देखिए आप, देहली आवृत्ति एवं अंतक विभव को परिभाषित कीजिए। 1+1=2 नंबर का है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि देहली आवृत्ति क्या है। देहली आवृत्ति की बात करूं तो देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले टॉपिक में वो बात आपको बताई थी कि किसी धातु की सतह पर डाली गई वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। देखो, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर डालने पर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हों देहली आवृत्ति कहलाती है। अंतक विभव क्या है? अंतक विभव होता है भाई, अगर आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव का पाठ नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि उसको पढ़े बिना आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अंतक विभव की मैं बात करूं, और अगर फिर भी आपने अभी हमारे चैनल से अभी जुड़े हों तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले सिलेबस को कम्प्लीट करें, प्ले लिस्ट में जाएँ। प्ले लिस्ट में हर चैप्टर की वीडियो मैंने क्रम से डाल रखे हैं, वहाँ आप उन वीडियो को समझें, देखें, बार बार देखें, आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और फिर आपको उसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, टेलीग्राम ऐप पर लिखें राजवीर यादव फिजिक्स और सर्च करें, आपको मेरा चैनल मिलेगा वहाँ पर,
उसको ज्वाइन करें। ज्वाइन करते ही आपको टोटल चैप्टर की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। 17वें चैप्टर की पीडीएफ भी मैंने डाल रखी, पढ़ाया नहीं है आपको, पढ़ाऊंगा कभी, कठिन नहीं है, कभी मूड बनेगा तब पढ़ा दूंगा। अंतक विभव क्या है? विपरीत दिशा में लगाया गया वह विभव जो प्रकाश विद्युत धारा के मान को शून्य कर दे, अंतक विभव कहलाता है। अगला टॉपिक देखिए, अब भंवर धाराओं के कोई दो अनुप्रयोग समझाइए। देखिएगा, एक प्लस एक बराबर दो नंबर का है। दूसरा सवाल इसी में कि वास्तविक ट्रांसफार्मर में अल्प ऊर्जा क्षय के कोई दो कारण समझाइए। देखिएगा, भंवर धाराओं के अनुप्रयोग निम्न है। पहला, उष्मा पारीय उपचार में, मतलब कि अगर मान लीजिए शरीर के किसी भाग में कोई रोग हो जाता है, उसकी सेक करना है, मतलब उसको गर्म करना है, सिकाई करनी है। कई बार हाथ बॉडी में कैंसर वगैरह हो जाता है तो सिकाई करते हैं, वो सिकाई इसी से करते हैं, किसी भंवर धाराओं के इस्तेमाल से करते हैं। उसमें शरीर के रोग ग्रस्त, जैसे मान लीजिए ये शरीर का कोई अंग है रोग ग्रस्त है, तो इसके चारों ओर तांबे के तार की कुंडी लपेट दी जाती है और फिर उसमें करंट फ्लो किया जाता है। करंट फ्लो करने से उस बॉडी के अंदर तक अंदरूनी हिस्सों में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है और वो चूंकि गर्म होती है, इससे भंवर धारा की वजह से वो अंदर के हिस्सों में जो रोगग्रस्त ऊतक हैं वो जड़ जाते हैं या यूं कहूँ नष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से इलाज किया जाता है। तो भंवर धाराओं का इस्तेमाल उष्मा पारीय चिकित्सा में किया जाता है। देखिए, आप इस विधि में शरीर के रोगग्रस्त भाग के चारों ओर तारों की कुंडली लपेटी जाती है। इन तारों में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे शरीर के रोगग्रस्त ऊतकों में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिससे रोगग्रस्त ऊतकों को सेका जा सकता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अगला है विद्युत चालित रेलगाड़ियों के ब्रेक में। अपनी जो गाड़ियां होती हैं, मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, ट्रक है, जीप है, इन सभी में ब्रेक आते हैं। ब्रेक इसमें लेदर के द्वारा लगते हैं, मतलब कि पहिए के पास ड्रम के पास एक लेदर होता है। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो लेदर उस ड्रम से चिपक जाता है और गाड़ी रुक जाती है। जरा कल्पना कीजिए कि ऐसे लेदर वाले ब्रेक जब रेलगाड़ी में लगा देंगे तो रेलगाड़ी तो बहुत सारे पहिए हैं, बहुत सारे पहिए, इसमें बहुत सारे ब्रेक लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे ब्रेक लेदर लगेंगे और फिर वो घिसेंगे भी जल्दी, समझ गए। इस वजह से कितना ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। इसलिए रेलगाड़ियों में ब्रेक के लिए ये वाला सिस्टम काम में नहीं लिया जाता। वहाँ पर एक छोटा सा ड्रम लगा देते हैं पहिए के पास और जब ब्रेक अप्लाई लोको पायलट करता है ट्रेन का, तो उस पोजीशन में उस ड्रम के अंदर जो कि पहिए के पास लगा हुआ है उसके अंदर विपरीत दिशा में भंवर धारा उत्पन्न होती है जो पहिए की गति का विरोध करती है, इसलिए पहिया रुक जाता है या उसमें रुकाव उत्पन्न होता है। तो वहाँ ऐसे लेदर वगैरह नहीं आते, तो विद्युत चालित रेलगाड़ियों के ब्रेक में। लेकिन अब ये ब्रेक भी जो बिजली से चलने वाली ट्रेनें हैं उसमें ही काम करते हैं, बाकी जो डीजल इंजन वाली ट्रेनें हैं उसमें हो सकता है दूसरी टेक्निक हो, लेदर वाली टेक्निक भी हो सकती है, मुझे कंफर्म नहीं है ये बात, पर बिजली से चलने वाली ट्रेन में ये ब्रेक काम आते हैं। विद्युत चालित रेलगाड़ियों में पटरियों के ऊपर प्रबल विद्युत चुंबक उपस्थित होते हैं। क्लियर, जब इन विद्युत चुंबकों को सक्रिय किया जाता है तो पटरियों में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं जो रेलगाड़ी की गति का विरोध करती हैं और इससे रेलगाड़ी रुक जाती है। इसके अथवा में भी क्वेश्चन था, उसको पढ़ लो, कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि, मतलब आप ट्रांसफार्मर का चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया था, वहाँ ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि उत्पन्न होती है तो दो कारण है ऊर्जा हानि के, तांबरिक हानि और भंवर धारा। तो वो साथ में यहाँ आर भी लगा रखा है, इसका मतलब किसी न किसी साल में ये सवाल पूछा हुआ है, ये रिपीट क्वेश्चन है। तो आप किसी पेपर में जब रिपीट क्वेश्चनों के नंबर जोड़ोगे ना तो कम से कम आपको 35 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब 56 नंबर में से 35 नंबर के क्वेश्चन तो पिछले 10 साल के पेपर से ही आते हैं। अगर आप ये रजिस्टर को कम्प्लीट कर लेते हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल आपको, तो 56 में से 35 नंबर के क्वेश्चन तो आपको इस रजिस्टर से ही मिलेंगे। आप मेरा कहना मत मानिए, आप ये रिपीट गिन लीजिए हर चैप्टर, मैं पूरे में जब वीडियो डाल रहा हूँ आप रिपीट गिनते चलिए, आपको हर पेपर में 35 नंबर के सवाल अप्रोक्सीमेट मिलते हैं, कई बार 40-45 तक भी चले जाते हैं, कई बार 2-4 तक भी हो जाते हैं। तांबरिक हानि की मैं बात करता हूँ, मतलब तांबे, मतलब ट्रांसफार्मर में जो कुंडलियाँ वगैरह होती हैं वो तांबे की बनी होती, और जब उसके अंदर करंट फ्लो होता है तो वो गर्म हो जाती है, गर्म होने की वजह से वहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, ऊर्जा की हानि उत्पन्न हो जाती है। तो देखो आप,
जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जूल के प्रभाव के अनुसार इन कुंडलियों में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। उत्पन्न ऊष्मा कुंडलियों के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए तांबे की कुंडलियां प्रयुक्त की जाती। अगला है नंबर 2, भंवर धारा हानि। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त लोहे की क्रोड से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मतलब कुल मिला के बात यह कि भाई उसमें जो कुंडली वगैरह होती है ना, ट्रांसफार्मर लोहे का क्रोड भी होता है, आपने अगर वहाँ पढ़ा हो समझ में आ जाएगा। उसमें जब फ्लक्स का चेंज होता है तो उस क्रोड के अंदर भी भंवर धारा उत्पन्न होती है और उस भंवर धारा का ट्रांसफार्मर की बॉडी गर्म हो जाती है। ट्रांसफार्मर नहीं, कोई सा भी विद्युत का उपकरण हो उसकी बॉडी गर्म हो जाती है। जैसे टीवी को भी चलाओ आप तो टीवी भी गर्म हो जाता है, प्लास्टिक बॉडी भी गर्म हो जाती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलाओ वो गर्म, मोबाइल को चलाओ तो मोबाइल भी गर्म हो जाता है। तो बिजली के वे उपकरण जो चलाने पर गर्म, मोबाइल गर्म हो रहा है फिलहाल, मैं वीडियो बनाते समय मोबाइल गर्म हो रहा है, तो इसकी वजह से बेवजह ऊर्जा की हानि हो रही है, बैटरी लॉस हो रही है, जबकि मुझे इसको गर्म करने की जरूरत थोड़ी थी, नहीं थी, फिर भी गर्म हो रहा है। जैसे प्रेस है, प्रेस को गर्म करने की जरूरत है, वो गर्म हो रही है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पर टीवी को गर्म करने की जरूरत नहीं, फिर भी गर्म हो रहा है। तो वहाँ जो चीज़ बेवजह गर्म हो रही है उसके गर्म होने का कारण है भंवर धारा है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी बिजली के उपकरण हैं जो काम लेने पर गर्म हो जाते हैं तो वो भंवर धारा के कारण होते हैं, उसकी वजह से ऊर्जा की हानि उत्पन्न होती है। जैसे मैं बात करूँ ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त लोहे की क्रोड से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं और जिससे ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। समझ में आ गई होगी बात आपको। इस प्रकार से हमने अब तक 21 क्वेश्चनों का अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में हम 22वें क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। अब तक के शुरू के 1 से 13 तक के क्वेश्चन एक एक नंबर के थे और फिर 14 से लेकर अब 21 तक के मैंने पढ़े हैं, ये सारे दो दो नंबर के, हालांकि आगे भी दो दो नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। टोटल क्वेश्चन 30 आते हैं, क्लियर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच में वीडियो को रोककर उतारते रहें तो ही ये आपकी पढ़ावा काम आएगा। धन्यवाद।